सो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे इन्फिनिक्स का हॉट 9 स्मार्टफोन मार्केट में जल्दी आने वाला, वो भी इंडिया के। तो यहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हैं इन्फिनिक्स के हॉट 9 स्मार्टफोन का, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 के प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो A25 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि मीडियाटेक के हीलियो P22 से थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। और इन्फिनिक्स के हॉट 9 में आपको 4 GB की रैम भी देखने को मिलने वाली है, जो कि एक बिग स्टोरेज के साथ में आएगी। और यहाँ पे आपको 128 GB का वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको इसके प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जो कि आपको 6.6 इंच की HD+ के रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर ये डिस्प्ले फुल HD+ के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती, तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्राइस को देखते हुए इसकी जो डिस्प्ले है काफ़ी शार्प है। और इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इस स्मार्टफोन में आपको पीछे की ओर क्वाड रियर कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 16 MP का मेन सेंसर, साथ में आपको 2 MP प्लस में 2 और साथ में 1 माइक्रो लेंस भी देखने को मिलने वाला है, जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। और इसका जो फिंगरप्रिंट है वो आपको बैक पे ही सिचुएटेड होता हुआ देखने को मिलेगा, जैसा कि इन्फिनिक्स अपने सभी स्मार्टफोन में देता चला आ रहा है। जबकि यहाँ पे इन्फिनिक्स के नोट 7 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन की जो सेल्फी है वो आपको पंच होल डिस्प्ले में देखने को मिलेगी, वो भी 8 MP की। और इस स्मार्टफोन में आपको माइक्रो SD स्लॉट के साथ में डुअल सिम का सेटअप भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पे स्लॉट से आपको निकालने पर आप 2 SIM भी डाल सकते हैं, साथ में 1 मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। तो अब आते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग और इसके प्राइस की। तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन आपको इस मई के लास्ट वीक या फिर कंफर्म है जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा इंडिया के मार्केट में। और ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो वो आपको 7 से 8 हज़ार के बीच में देखने को मिलने वाली है, जैसा कि इन्फिनिक्स का हॉट 8 ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, उसी टाइप का ये भी स्मार्टफोन होने वाला है।